राप्ती तट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर नगर निगम द्वारा की गई तैयारी व्यवस्था तथा सुरक्षा के दृष्टिगत एसपी सिटी सोनम कुमार ने मंगलवार को घाटों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गुरु गोरक्षनाथ घाट पर छठ पूजा में भारी संख्या में नागरिकों की भीड़ होती है तथा महिलाओं की संख्या काफी होती है, जिसको देखते हुए महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा, घाट पर पानी में बांस और बल्ली लगाया है जिससे कोई व्यक्ति गहरे पानी में ना जाए। उन्होंने कहा, निगम द्वारा बनाए गए रास्तों का प्रयोग करें। एसपी सिटी ने कहा कि अराजक तत्वों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी तथा कैंप कार्यालय पर लोगों को बैठाया जा रहा है, जिससे कि भीड़ में कोई बच्चा गायब हो जाए तो अलाउंस के जरिए माता पिता को बताया जा सके। वहीं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि नगर निगम द्वारा घाटों पर व्यापक व्यवस्था की गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार और नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, यहाँ देखिए रास्ता भी बना लिया जी। 1593 हाँ जाएंगे वो एडी से करते हैं ना पड़ी है वो उसे ये बाबू से ले लीजिए कप्तान साहब जो सीए बाबू है। हाँ ठीक है ठीक आप बंद कर दीजिए सही बात सही बात। हाँ आप मेरे को भेज दो यहाँ पे जैसे हनुमान गढ़ी और तकिया घाट पर लगाना ज़रूरी है। मुझे भेज दो सीए बाबू से ले लो आप। हाँ तो फिर मैंने अपनी टीम भेजने के बाद दो चार मिले मतलब हमको बस सभी तीन गुंजो बता सर ने इनकी बहुत बड़ा कोरोना टाइम पे इनका वीडियो जो है लखनऊ भेजा गया था मैं बता रहा हूँ आप नंबर चेक हम लोग आपस में सब मिलकर क्या ठीक। देखिए गुरु गोरक्षनाथ घाट जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु जो है छठ पूजा में अर्घ देते हैं और महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जो है यहाँ बढ़ाई गई है। अभी यहाँ पे हमने निरीक्षण किया है, बांस बल्लियाँ वगैरह लगी हुई हैं। जनता से अनुरोध यही रहेगा कि ज़्यादा गहराई में ना जाए, जो बल्लियाँ बांस लगी हैं इनके गहरे की जगह जो संकरा साइड है वहीं पर रहें, जो बच्चे भी हैं वो भी इस साइड रहें, अर्घ दें और फिर वापस चले जाएँ और अनुशासन का सब लोग स्वयं प्रयोग करें क्योंकि स्व अनुशासन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे रास्ते वगैरह अगर देखेंगे रास्ते बनाए गए आने जाने के, उन रास्तों का ही प्रयोग करें और उसको तोड़े ना। और जो वेदी सीसीटीवी की भी मदद ली जा रही है, सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त जो हैंडसेट है स्टैटिक हैंडसेट का कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है क्योंकि बच्चे वगैरह भी काफ़ी गुम हो जाते हैं ऐसे आयोजनों में, तो उन सबको ढूंढने में मदद मिलेगी उससे। सर छठ पर्व को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे गोरखपुर नगर के सम्मानित नागरिकगण हैं उन लोगों को सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और नगर निगम प्रशासन ने छठ पर्व के मद्देनज़र सभी जितनी भी इससे जुड़ी हुई तैयारियां हैं उनको पूर्ण कर ली हैं। हमारे यहाँ 9 ऐसे घाट हैं जो कि प्राकृतिक जहाँ पर तालाब हैं या नदी हैं जहाँ पर कि लगभग बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं और छठ का पर्व जो है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जैसे कि एकला बंदे पर हमारा रामघाट, राजघाट, हनुमानगढ़ी, तकिया घाट
मानसरोवर, सूरजकुंड, गोरखनाथ मंदिर में जो हमारा पोखरा है, इन पर, इन पोखरों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वहाँ पर आकर अपना जो है छठ का पर्व मनाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे 70 वार्डों में विभिन्न जगहों पर लगभग 250 पॉइंट्स पर जो कृत्रिम पोखरे बनाए जाते हैं, नगर निगम JCB की मदद से वहाँ पोखरे बनाकर जलकर विभाग की मदद से वहाँ पर जो स्वच्छ जल भरवाता है और वहाँ पर उस कॉलोनी के, उस वार्ड के लोग वहाँ पर आकर अपना छठ पर्व मनाते हैं। इस छठ पर्व के मद्देनज़र जो हम लोगों ने नदी की जो पानी में जहाँ पे गारान है उसमें कोई डूबने न पावे, उससे बचने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर बैरिकेडिंग करा दिया है और वहाँ पर एक इसकी जो हमारा फ्लैक्सीट का बोर्ड भी लगवाया है कि आप यहाँ पर सावधान रहें, यहाँ पर पानी गहरा है। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने पूरे रास्ते में और घाटों पर पथ प्रकाश की समुचित व्यवस्था किया है जिससे कहीं कोई दिक्कत ना होने पावे, किसी प्रकार का अंधेरा ना रहे। साथ ही वहाँ पर घाटों पर जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, पब्लिक को संबोधित करने के लिए, पब्लिक को अवगत कराने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है। साथ ही हम लोगों ने इन सभी बड़े घाटों पर जो है CCTV कैमरे की भी व्यवस्था किया है। कहने का आशय है कि जितनी भी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई, जो फॉगिंग और जो हमारा सैनिटाइजेशन है इसकी भी पूरी व्यवस्था है। साथ साथ हम लोग चूना और मेलाथियन घोल का भी वहाँ छिड़काव करा रहे हैं और सफाई की बहुत ही उच्च स्तर की जो का प्रदर्शन वहाँ पे किया जा रहा है। तो सभी प्रकार की जो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं सभी वहाँ मौके पर, हम लोगों ने वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट की भी व्यवस्था किया है, मोबाइल टॉयलेट जो है वहाँ पर लगवाया गया है। कुछ हम लोगों, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने भी टेंट लगा कर वहाँ पर महिला शौचालय, पुरुष शौचालय को अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो शहर के सम्मानित नागरिक हैं वो इस बार पाएंगे कि जो पिछले कुछ वर्षों से और भी बेहतरीन तरीके से नगर निगम ने इस बार अपना प्रयास किया है। और आपके इस चैनल के माध्यम से एक बार पुनः मैं जो अपने शहर के सभी सम्मानित नागरिकों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा।